तत्वगुणो भवति इत्यादि अंशो लक्ष्य संस्कार फलक एव यथाधान मनि संस्कारकम शास्त्र तात्पर्य विषय प्रयोग विशिष्ट पूर्व संस्कारक एवेति तदाशय तथा सिद्धांततम तथा नित्य नैमित्य काम विधिनाम तदकरणजन्य प्रत्यवाय परिहाराय फलाय च वाक्य भेदेन तत्तद विषयक शास्त्रोपप्लवा शास्त्रोपप्लवात् पुनः पुनः प्रवर्तकत्वं तथा ममाप्यसाधु प्रयोगे प्रत्यवाय श्रवणानित्य समत्वं प्रयोग विधे एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गीय लोके च कामदुग् भवति इत्यनेन काम्यत्वं चेति तत्तद् विषयानन्त वाक्योपप्लवेन भवत्येव मालेन्द्रादि प्रयोग इति एवं प्रयोग विध्वंसस्य नित्य काम्यत्व व्यवस्थापनेन पुनः विध्वंसस्य शुद्ध संस्कारार्थत्वमेवोक्तम् अत्र भाक्यसत्वादिति अस्मिन् विषये अनथ चेत् तत्र भाष्य यदि जन इति पञ्चमी मैति षष्ठी उल्का वाल्मीकिमित्युदाहरणम् अथ मय इति पञ्चमी जन इति षष्ठी दध्यत्र मध्ये तत्तेत्युदाहरणम् नास्ति इति तथा च मनोरमाकारः एकस्यां व्यक्तो एकं लक्षणं सकृदेव प्रवर्तत अस्मिन् पक्षे टिप्पण्यो यथा लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति स्वीकार्य राम इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वरोत्पत्तिर्न स्यादतः लक्ष्ये तल्लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति वक्तव्यम् एवमपि आदिगुणः इत्यस्य खट्वेन्द्र इत्यत्र चार्थार्थेन मालेन्द्र इत्यत्र आदिगुण इत्यस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् अतः तल्लक्ष्ये तल्लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते एवं स्वीकारे क्वापि नो दोषः ततः तल्लक्ष्यत्वं नाम किमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्ष्येन वर्णसमुदायो गृह्यते अन्यथा उपास्य इत्यत्र सकारद्वित्वे विसर्गद्वित्वं न स्यात् पूर्वमाश्रितस्य वेदानीमाश्रयणं वर्णसमुदायग्रहणे तु पूर्वम् अस् इत्यस्य इदानीम् अह इत्यस्य चाश्रयणे लक्ष्यभेद इति नो दोषः एवं सति पथे इत्यत्र पुनः टिलोपापत्तिः स्यात् प्रथमं पथि इत्यस्य इदानीं पथ इत्यस्य सत्वात् स्वीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वेनाश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायस्तादृशसमुदायाघटकवर्णाघटितत्वमिति स्वीकारेणा दोषात् पूर्वं भषतिर्लोप इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकेन भत्वेन अवच्छिन्नसवर्णसमुदायः पथिनिति पश्चात् समुदायः पथिति पूर्वाश्रित समुदाय घटको वर्ण पश्चात आश्रित समुदाय समुदाय नास्तीत भिन्न लक्षत्वाभावेन पुनः लेपो न सैदेव कृते शुद्धिपाशेत्यत्र धसित्वे यस्त्वे दकारस्य द्वित्वं स्यात् तदा वैशिष्ट्यनिवेशो विधेयः वैशिष्ट्यं च स्वाघटकत्व स्वघटकोद्देश्यक विकारात् रिक्तत्वे तद्भय सम्बन्धेन दकारस्य समुदायघटत्वं यद्यपस्ति तथापि समुदायोद्देश्यक विकारात् रिक्तत्वाभावेनैकसत्वे द्वयं नास्ति इति न्यायेन समुदायविशिष्टो दकारो
न किंतु कश्चन उदासीनस्तादृश वर्णाघटतत्वमेवास्ति भिन्न लक्ष्यता लक्ष्यत्वाभावेन नो दोषः स्वघटकोद्देश्यक विकारे तरत्व निवेशने ना विकारकृत लक्ष्य भेदानाश्रयण उद्बोढ़ा विधिभाष्यम मानम तत्र शिजलोपस्या सिद्धत्वात् प्रथमं वृद्धो कृतायाम पुनर्वृद्धिमाशं के लक्ष्य लक्षण न्यायेन बाधितम् अन्यथा विकारस्य सत्वेन न्यायस्य विषयत्वेन कथं वारणं भवेत्। एवं कांडे इत्यत्र पूर्वधन्यबल्लक्षणेन हर्षे पुनः हर्षत्वं प्राप्तं तत्र सप्तम्यधिकरणे निवेशेन दोषात् तव जातगुणस्य तन्मात्रोद्देश्यकत्वाभावे दोषात् गुणो इत्यत्र पश्य सम्प्रसारणे स्वघटकमात्रोद्देश्यक विकारातिरिक्तत्वाभावेन लक्ष्यकत्वेन यस्य सम्प्रसारणप्राप्त्यभावेन न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमित्यस्य वैयर्थ्यमिष्टापत्तिश्चेत् तर्हि भवेन्न सिद्ध्येत् तत्र स्वलोपे पुनः स्वलोपो न स्यात् लक्ष्यकत्वात् तत्र स्वीय प्राथमिक प्रवृत्तिकालिक प्रातिविषयाघटतत्वम् इति निवेशा निवेशे न दोषात् पूर्वोक्त सम्बन्धस्य सत्वेपि अन्यतरं स्वलोप विषय द्वितीय सकार घटतत्वाभावेन दोषः जून इत्यत्रापि वस्य सम्प्रसारणकाले यस्यापि तत्प्राप्त्यानो दोषः न तु ननु लिटत्सु इत्यत्र धस्य चत्वे दस्यतन्नस्यादि चेन्न तत्र स्वीय प्राथमिक प्रवृत्ति प्राक्कालिक प्राप्ति विषया घटतत्वे न दोषात् इति परिहार। कस्य तलक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते भाषा यहाँ पर मैं से परे जो जन उसको दित होता है अजन से परे जो मैं उसको दित होता है ये दोनों पक्ष अनंत चौस सूत्र के भाष्य में स्थित है। शुद्धोपास्य यहाँ पर धकार जकार को दित्व विपल्प होने से चार रूप होते हैं तो यहाँ पर कहते हैं धकार जकार दोनों का दित्व करने पर दो धकार दो जकार दोनों को फिर दित्व करने पर तीन धकार तीन जकार धकार जकार के मध्य में किसी एक को दित्व करने पर एक धकार दो जकारक तीन जकारक एक जकारक दो धकारक तीन धकारक दोनों को द्वित करने पर अन्यतर को पुनः द्वित करने पर दो धकारक तीन जकारक और तीन धकारक को जकारक रूप होते हैं। अर्थात जैसे सो ध ध उपास्य सो ध ध ध य उपास्य शोध य उपास्य शोध य उपास्य शोध ध य उपास्य शोध ध ध य उपास्य शोध ध य उपास्य शोध ध ध य उपास्य दोनों को द्वितीय होने पर दोनों को द्वितीय होने पर शोध य उपास्य आधुरोधर सवर्णे हलो जमाम इति से लोप विकल्प तथा अन्यतर द्वितीय का समान फल है। केवल संभावना मात्र को लेकर विकल्पोक्ति है। अंतरंग द्वितीय करने पर बहिरंग जन असिद्ध नहीं होगा। त्रिपादी भाष्यकार ने स्पष्ट कहा है कि नो चात्रांतरंग जोर युगपत समवस्थानमस्ति इति कारणम किम कारणम असिद्धत्वात् उनका कहना ठीक नहीं क्योंकि धकार जकार को द्वित्व करने पर फिर द्वित्व करना ठीक नहीं क्योंकि एक लक्ष्य में एक लक्षण एक बार ही प्रवृत्ति होता है। यह एक पूर्व पर्यो इस सूत्र के भाष्य में सिद्धांतित है। पुनः